हेलो एवरीवन, मैं यहाँ लेके आई हूँ रायता। रायता की तो खीरे की रायता तो बड़ा बेमिसाल बनता है, तो मैं बना के दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। आप लोगों को भी बनाना, तो रायता बहुत ही बेहतरीन बनता है। तो ये खाना के साथ में, रोटी के साथ में, पराठे के साथ में, ये खाने के साथ में बड़ा ही बहुत ही बेहतरीन बनता है। तो मैं दो खीरे लेती हूँ, तो उनको छील लेती हूँ। चलती हूँ मैं वीडियो की तरफ, दो खीरे लेती हूँ, उनको छील ले काट के लेती हूँ, कट कर लेती हूँ, और कट नहीं करती हूँ इसको, छिकल उतार देती हूँ। तो छिकला उतार देती हूँ इनके सारे के छिकल से, और उसके बाद में मैं इसमें दोनों खीरों को छील लेती हूँ, और छील के उसके बाद में मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ, और कद्दूकस भी कर लेती हूँ। कद्दूकस करते करके इस खीरे पानी का भरा होता है, और खीरे की सब रायता बड़ा ही स्वाद होता है। आप लोग बनाएंगे तो देखेंगे कैसा बना हुआ है। और हम तो बना रही हैं खीरा की खीरा, तो मैं इसको धुल लेती हूँ और धुल के पानी भी निकाल देती हूँ खीरे को। अब मैं इसको कद्दूकस की कर लेती हूँ, कद्दूकस भी कर लेती हूँ, और कद्दूकस करके मैं इसको दोनों खीरों को कद्दूकस कर लूँगी। और कर चुकी हूँ, एक कर हो गया है, दूसरा भी कर लेती हूँ। और कद्दूकस करके अब बहुत जल्दी ही ये बहुत नरम होता है, और बड़ी जल्दी ही कद्दूकस हो जाता है। आप लोग भी करके देखना। और मैं दही को जमा देती हूँ, तो दही जमा हुआ, दही में इसको तनिक चम्मच से चला दो, और बस दही में ही डाल दीजिए और चला दीजिए। और खीरा मेरा हरत चुका है, देख सकते हैं कितना बढ़िया खीरा हरत चुका है। और इसमें देखना पानी पानी बहुत सारा निकलने लगा है, और ये देखना कितना सारा कद्दूकस कर दिया है। और इसको मैं दही को लेती हूँ, ये दही मैंने घर ही पर जमाया था, और घर का दही जो स्वादिष्ट बढ़िया होता है उसी में डाल देती हूँ कद्दूकस करा हुआ खीरा, और इसको डाल दूँगी। इसको चला देती हूँ, दही का मट्ठा बना देती हूँ। मट्ठा बना के इसमें मैं पहले खीरे खीरे को पलट देती हूँ, इसमें पानी भी पलट दिया खीरे का जो निकला था। उसके बाद में मैं कद्दू इसको खीरे को भी डाल देती हूँ। इस तरीके से बनाइए तो बेहद ही बेहतरीन बन जाता है। तो मैं इसको चला देती हूँ, अच्छे से चला देती हूँ। न इसमें गैस लगती है, न इसमें चूल्हा लगता है, और ना इसको पकाना पड़ता है, कुछ भी नहीं। और इसको बस डाल दीजिए और डाल कर रख दीजिए। अब उसके बाद में बस मैं इसको एक कटोरे में कर लेती हूँ, और लोटे में बना दिया था तो मैं इसको कटोरे में कर देती हूँ। और पलट देती हूँ, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको इस कटोरे में पलट दूंगी, पलट दिया है। अब मैं इसको छौंका लगा दूंगी, थोड़ा सा इसको फ्राई कर दूंगी। तो मैं एक चम्मच तेल लेती हूँ, तेल में मैं हल्दी डाल वो जीरा डाल देती हूँ, जीरा को साफ करके जीरे को डाल देती हूँ। और जीरे डाल के मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ, थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। इसकी ढक्कन खोल कर इसको मैं हींग डाल देती हूँ। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। हींग डाल देती हूँ,
और हींग जब मेरी बन जाती है और बड़ा ही खुशबूदार होता है, और इसको मैं तड़का लगा देती हूँ। और तड़का इसको लगा कर के तड़का, और इस देखिए मैं इस रायते में तड़का डाल देती हूँ। अब मेरा ये तड़का तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें तड़का को डाल देती हूँ। देख सकते हैं कितना टेस्टी, कितना सुंदर लगने लगा है। गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसको रायता को चला देती हूँ इस तरीके से। अब देख सकते हैं कितना सुंदर रायता बन के तैयार हो चुका है हमारा। और आप लोग भी, मुंह में पानी आ गया होगा देख के, और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। और देख सकते हैं कितना बढ़िया रायता तैयार हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और उसके बाद में मैं चलती हूँ नए वीडियो की तरफ। फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।